माना जाता है कि माउंटेन्स या पहाड़ सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है हेवन का, और शायद इसीलिए ही मोस्टली मोनेस्ट्रीज या टेंपल्स पहाड़ों के टॉप में ही होते हैं। और अगर आप भी पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं या रहते हैं, तो शायद आपने भी कभी उस कामनेस और पीस ऑफ माइंड को फील किया होगा। पर कुछ ऐसी ही कामनेस आपको घर बैठे भी मिल सकती है। कैसे? तो चलिए फिर धर्मशाला के पहाड़ों से आज आपको सिंगिंग बाउल के बारे में कुछ बताते हैं। सिंगिंग बाउल जैसे कि सिंपली एक बाउल होता है जो 5 मेटल से बनता है, और इसकी एक स्टिक होती है जिसमें एक वेलवेट की कवरिंग होती है। ये वैसे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आते हैं, एक जो पाम पे भी फिट हो सकता है और एक जो बहुत ही बड़ा ऑलमोस्ट 1 फीट या 2 फीट का होता है। मेन पर्पस इसका ये होता है कि इसकी वाइब्रेशंस जो निकलती हैं ऐसे रिंग साउंड कराते हुए, ये वाइब्रेशंस हमको फील करती है, काम करती है। ये आप सुनोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी हेल्पफुल है या फिर कितना एक तरह से पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। सिंपली इसको पहले हमको अपने पाम को एकदम ऐसे स्ट्रेट रख के, एकदम फ्लैट रख के उस पर बॉल को रखना होता है। मतलब इसको इस तरह से होल्ड नहीं करते, सिंपली ऐसे बॉल को रखना होता है एकदम। स्टिक को जैसे एक हम पैन पकड़ते हैं उस टाइप से हमें स्टिक को पकड़ना पड़ता है, और फिर एक बार ही हम टैप करके ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि इसकी वाइब्रेशन प्रॉपर आ रही है, क्योंकि अगर मैंने गलत होल्ड किया होगा तो इसकी वाइब्रेशन नहीं आएगी। तो ये सिंपली इसका मतलब ये है। तो अगर आपने सही होल्ड किया हुआ है और इसकी वाइब्रेशन आ रही हैं, तो फिर अभी मैं आपको इसको ले करके दिखाऊँ। अब आपने इसकी साउंड को सुना तो आपको रियलाइज हो गया होगा ये कितना सूदिंग होती है, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस होती है, मतलब जो हम बाउल को टाइप करते हैं जो इसकी वाइब्रेशंस आती हैं उससे ये साउंड निकलती है, और ये पूरे अपना जो हमारा पूरा ऑरा होता है उसको वाइब्रेट कर देती है। और ऐसे जब हम प्ले कर लेते हैं उसके बाद भी ये वाइब्रेशंस होती है, काफ़ी सूदिंग साउंड निकलती है, और ये आपको सच में हील करती है। This is the best practice and you should try this. Singing bowl कहीं पे मिल जाएगा हिमाचल में, या फिर आपके कोई भी जर्नली सिटी में, या फिर ऑनलाइन स्टोर पे कहीं भी आपको ये सिंगिंग बाउल मिल जाएगा। बहुत ही सही प्रैक्टिस है, अगर आप इसको ट्राई करें डेली तो बहुत ही काम फील कराती है। हम सबको एक्सप्लोर करना, घूमना अच्छा लगता है, बट जितना इम्पोर्टेंट बाहर एक्सप्लोर करना है उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने अंदर एक्सप्लोर करना, और शायद ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करे खुद को एक्सप्लोर करने में।